Hello and welcome to the fourth part of the chapter Print Culture and the Modern World. इस पार्ट की थीम है रीडिंग मेनिया, जिसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो इस प्रकार से हैं: रीजंस बिहाइंड रीडिंग मेनिया, मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो लेट्स बिगिन. पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था. प्रिंटिंग प्रेसेस पूरे यूरोप में फैल रही थी, जिसकी वजह से बुक्स का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था और नए नए पाठक वर्ग का उदय भी हो रहा था साथ में, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ रही थी. द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन मेड पीपल क्रिटिकल. तो प्रिंट रेवोल्यूशन का ये भी एक असर हमने देखा था कि किस प्रकार से लोग क्रिटिकल हो रहे थे. मीन्स दे वर रेजिंग क्वेश्चंस, दे वर डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर्स, जो भी समाज के नियम हैं, आइडियाज़ हैं, जो भी सोशल वैल्यूज थी उस वक्त, उस पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए. जो सेक्रेट अथॉरिटीज़ थी उन पर भी क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो गए थे. ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था. और इसकी वजह ये थी, बिकॉज द मार्केट्स वर फ्लडेड विद बुक्स. और इसमें तरह तरह के लिटरेचर्स होते थे और लगभग हर एक का ख्याल रखा जाता था. सो मैटर्स वर पब्लिश्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स. लेकिन यही लिटरेसी रेट और बढ़ी यूरोप में, जिसकी वजह से लोगों में देर वॉज रेज अमंग पीपल टू रीड बुक्स. वो किताबों को पढ़ना चाहते थे, उनके अंदर धुन सवार थी कि हमें किताबों को पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा. और इसी को कहा गया रीडिंग मेनिया, मीन्स पढ़ने का जुनून. कोई चीज़ हमारे दिलो दिमाग में छा जाती है और हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, और एक उत्साह हमारे मन में रहता है, या कोई डिप्रेशन रहता है, मतलब एक चीज़ हमारे मन में घर कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक उत्साह रहता है, एक एनर्जी रहती है, हमें करना है करना है. एक प्रकार से हम मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसे. तो वो चीज़ जुनून सी सवार रहती है हमारे मन में, दैट इज़ कॉल्ड मेनिया. और ये भी कहा जाता है कि जो प्रिंट कल्चर है, इट प्लेड इट्स ग्रेट रोल इन इफेक्टिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर का योगदान था. सो इन सब के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने चल रहे हैं. तो सबसे पहले रीजंस बिहाइंड द रीडिंग मेनिया, ये लोगों में पढ़ने का नया जुनून से सवार था, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में लिटरेसी रेट 60% से 80% तक बढ़ गई यूरोप के कुछ पार्ट्स में. इसके साथ ही जो चर्च थे और उनके जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस थे, मीन्स जो क्रिश्चियनिटी के जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उन्हें डिनोमिनेशंस ऑफ चर्चेस कहा जाता है, जिसमें से हमने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बारे में, जिसमें से कैथोलिक्स के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मोर देन बिलियन पीपल. तो ये भी दो डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियन रिलीजन के. तो हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट चर्चेज सेटअप, स्कूल्स स्थापित किए गांव में, जिसकी वजह से लिटरेसी बढ़ गई. और अब किसान और जो गांव में रहने वाले आर्टिस्ट थे, वो भी एजुकेटेड थे, पढ़ सकते थे किताबों को. तो इस लिटरेसी रेट की वजह से एक रीडिंग मेनिया सा देखने को मिला उस दौर में, जो नए नए लिटरेट पीपल थे उनके अंदर. और जो पब्लिशर्स थे, मीन्स जो प्रिंट इंडस्ट्री चलाते थे, उन्होंने भी इसका भरपूर जवाब दिया. एंड दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. वो तो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठक वर्ग तैयार हों, जिसकी वजह से हम किताबों को बेच सकें. लेकिन इस रीडिंग मेनिया का इम्पैक्ट क्या था? तो आइए हम पढ़ते हैं कि उसका इम्पैक्ट, जो तरह तरह के पब्लिकेशंस निकल के आ रहे थे, उस पर क्या हुआ. इफेक्ट ऑफ रीडिंग मेनिया, मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड मटेरियल पब्लिश्ड. तरह तरह के लिटरेचर और मटेरियल पब्लिश हो रहे थे, और आप जानते हैं ये लोगों की डिमांड के अनुसार ही पब्लिश हो रहे होंगे. तो बुक्स वर पब्लिश्ड इन वेरियस साइजेस, अलग अलग साइजेस में, ठीक उसी प्रकार से जैसे आज हमें मार्केट में डिफरेंट साइज़ की बुक्स मिलती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर. हालांकि आज इंटरनेट का युग है और आपको वर्चुअल वर्ल्ड में किताबें मिल जाती हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं, ई बुक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर होती थी और तरह तरह के लोगों के हितों को ख्याल रखते हुए किताबें छपती थी. तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं कि जो पॉपुलर रीडिंग मटेरियल था वो क्या था. एल्मेनेक्स, बैलार्ड्स एंड फोक टेल्स वर सोल्ड बाई पेडलर्स इन विलेजेस. तो गांव गांव घूमकर एल्मेनेक्स बेचना, बैलार्ड्स और फोक टेल्स के बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं, जो जिसे हम पंचांग कहते हैं, जिसमें मुहूर्त और त्योहारों की तिथियां दी रहती हैं, प्रिडिक्शंस रहती हैं मौसम के बारे में. घरों में आपको पंचांग देखने को मिल जाएगा, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं. और जो पेडलर्स थे, इन्हें पब्लिशर्स ही इम्प्लॉय करते थे कि जाके आप सस्ती किताबें बेचिए. और आज भी हमारे यहाँ सेल्समैन आते हैं, तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं, तो ये लोग किताबें बेचा करते थे. चैप बुक्स, ये इंग्लैंड में ये कल्चर थी, मतलब पॉकेट बुक्स छोटी. दीज वर चीप इंटरटेनमेंट बुक्स, मनोरंजन के लिए थी, और इन्हें बेचने वालों को चैप पेडलर्स कहा जाता था. और एक आने में बिक जाया करती थी, इतनी सस्ती बुक्स गरीब भी खरीद सकें और पढ़ें. इसी तरह फ्रांस में जैसे चैप बुक्स थी, वैसे बिब्लियोथिक बिल्यू उन्हें कहा जाता था. ये भी एक प्रकार से छोटी स्मॉल बुक्स थी, लो क्वालिटी पेपर पर छपती थी, और इनका जो कवर था वो चीप ब्लू कवर होता था, जिसकी वजह से इन्हें बिब्लियोथिक ब्लू कहा जाता था.
इसके अलावा रोमांसेस पे किताबें छपती थीं, 4 से 6 पेज की छोटी छोटी कहानियाँ, और अगर जो स्टोरीज अबाउट पास्ट थी उन्हें हिस्ट्रीज कहा जाता था, तो ये कुछ पॉपुलर रीडिंग मटेरियल्स हो गए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ छपता था, यानी पीरियडिकल पब्लिकेशंस, जैसे हमारे मैगजीन्स हैं, अखबार्स हैं, ये सब पीरियडिकल्स कहलाते हैं, जर्नल्स हैं डिफरेंट। तो ये 18th सेंचुरी से जो पीरियडिक प्रेस है वो इवॉल्व हो रही थी, जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, पत्र पत्रिकाएं जिन्हें कहा जाता है, करंट अफेयर्स, इंटरटेनमेंट न्यूज़ है, ट्रेड न्यूज़ है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स इन अदर प्लेसेस यानी दुनिया के और कोनों में क्या हो रहा है, ये सब छपा करता था। तो पॉपुलर रीडिंग मटेरियल हो गया, पीरियडिक पब्लिकेशंस हो गए, लेकिन इसके अलावा भी एक कैटेगरी थी, वो थी आइडियाज़ अबाउट साइंस यानी विज्ञान से संबंधित, रीज़न और रैशनलिटी, मीन्स हमें अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए किसी भी चीज़ को करने से पहले, मानने से पहले। इस कैटेगरी में भी जो पुराने ओल्ड टेक्स्ट थे या मिडिवल टाइम्स के, इनको कंपाइल किया गया, मीन्स इनको इकट्ठा करके इन्हें प्रिंट किया गया, साइंटिफिक डायग्राम्स प्रिंट किए गए, मैप्स प्रिंट किए गए, जो पहले के जो खोजकर्ता थे जैसे हमने मार्को पोलो के बारे में पढ़ा था, और जो साइंटिस्ट थे जैसे आइजैक न्यूटन हो गए, इन लोगों ने अपनी डिस्कवरीज पब्लिश कराना शुरू किया, लोगों के पास ये पहुँचती थी, लोग उनको पढ़ते थे, तो साइंटिफिक थाट्स लोगों के मन में आते थे कि विज्ञान क्या कहता है, तो जो लोग साइंटिफिक माइंड के लोग थे वो इनको पढ़ा करते थे। इसके अलावा जो आइडियाज़ थे बड़े बड़े थिंकर्स के उस समय, जैसे टॉमस पेन हो गए, वोल्टेयर हो गए, जीन जैक्स रूसो हो गए, जिनकी विल थ्योरी तो बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको खूब छापा भी जाता था और लोग इन्हें खूब चाव से पढ़ते भी थे। तो जिसकी जैसी रुचि हो वैसी किताबें उपलब्ध थी, तो पीपल कुड बाय बुक्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। और किताबों का बहुत बड़ा प्रभाव था उस वक्त, लोगों के मन में जो विश्वास था उसे हम एक टॉपिक में पढ़ते हैं, कॉमन कन्विक्शन अबाउट द बुक्स इन द मिड 18th सेंचुरी। अब आप जानते होंगे कि तारीखों को कैसे हम लोग एड्रेस करते हैं, कि मिड 18th सेंचुरी है तो हमें बैक में जाना है, और मिड होता है 50s, तो ये 1750s के आसपास की बात होगी जिसे हम मिड 18th सेंचुरी कहते हैं। ये माना जाता था कि बुक्स हैव द पावर टू इफेक्ट चेंजेस इन द वर्ल्ड, दुनिया बदल कर रख सकती हैं किताबें, बुक्स स्प्रेड प्रोग्रेस, बुक्स पढ़ने से उन्नति होती है, इनलाइटेनमेंट मीन्स नॉलेज मिलती है, और इससे हमारे दिमाग में व्यवस्थाओं को एवेल्युएट करने की क्षमता आती है, और लोग इकट्ठा होकर डेस्पोटिज्म और टायरेनी को ख़त्म कर सकते हैं, मीन्स निरंकुश शासन जिसमें पावर एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, मनमाना शासन चला सकता है, वह डेस्पोटिज्म, और वो मनमाना शासक अगर अत्याचार पर उतारू हो जाए, आतंक पे, तो उसे कहा जाता है टायरेनी। तो किताबें इसे ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि लोग पढ़ेंगे और दे विल बी इनलाइटेंड, और आगे हम एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम इस इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बुक्स कैन ब्रिंग रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड रीजन, इसके अलावा ये था कि किताबें पढ़ने से लोग और बौद्धिक क्षमता उनकी बढ़ती है, वो रीज़न को अप्लाई करते हैं, रीज़न मतलब लॉजिक लगाना हर जगह क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर अगर आप कोई थॉट डेवलप करते हो तो आपका रैशनल थॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है कि माइंड से सोचो तो आप रीजनेबल हैं और हार्ट से सोचो तो आप रीजनेबल नहीं हैं। तो जहाँ प्रेम की बात आती है, स्नेह की बात आती है, हमारा किसी से लगाव होता है, हम हार्ट अप्लाई कर देते हैं, और जहाँ हम दिमाग लगाते हैं कि करना ठीक है कि नहीं है, हम बाज़ार में जाते हैं, 10 रुपये की चीज़ें कहते हैं 8 में दे दो, वॉट इज़ दिस, माइंड अप्लाई हो रहा है, यू आर बिकमिंग रीजनेबल देयर। और आप गए किसी गरीब व्यक्ति को देखा, आपने 10 रुपये उसको दान में दे दिए, यहाँ आप कम करा रहे हो, यहाँ 10 रुपया फ्री में दे रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा आपको, यहाँ आप हार्ट अप्लाई करते हो, यहाँ माइंड अप्लाई नहीं करते कि इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। तो यही जो माइंड अप्लाई करने वाले लोग हैं, दिमाग लगाते हैं, वही इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक लोग, जो अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, दो हज़ार इंटेलेक्चुअल्स। और इसी बुक के इम्पैक्ट से हमें टाइटल मिलता है ट्रेम्बल, मतलब कांप उठो, देयर फोर, इस वजह से टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो टायरेंट्स हैं, ऐसे शासक जो आतंक का शासन चला कर शासन चलाते हैं, उनके कांपने का वक्त आ चुका है। तो देखते हैं क्या इसमें, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो कि 18th सेंचुरी का फ्रेंच नॉवलिस्ट था, उसे रीडिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ता था कि किताबों को पढ़ने का क्या असर होता है, वो खुद भी बहुत बड़ा रीडर था। इन्होंने जो नॉवेल्स लिखी हैं, इट पोर्ट्रेट द पावर ऑफ रीडिंग, इन्होंने इसमें पावर ऑफ रीडिंग को शो किया है, क्योंकि जो उसका जो हीरो होता था इनके नॉवेल्स का, वो किताबों को पढ़कर इलाइटेनमेंट प्राप्त करता था, मीन्स ट्रांसफोर्ड एंड इलाइटेंड द लाइफ्स ऑफ द हीरोज़ ऑफ हिज नॉवेल्स। और इस नॉवल के जो हीरो होते थे, दे वर मोस्टली लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, किताबों में खोए रहते थे, किताबों को घोटना, पीना, चबाना, जो कुछ भी आप कह सकते हो, किताबी कीड़े थे एक प्रकार से, पढ़ने का जुनून था उनके अंदर, और उसी किताबें पढ़ने की वजह से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, ये उनकी नॉवल के थीम हुआ करते थे, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के। उन्होंने कहा, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट
पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि उन्नति का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल इंजन है किताबें, और जो पब्लिक ओपिनियन है मीन्स जनता का जो मत बनता है किताबों को पढ़ने के बाद या किताबों में जो कुछ है उसकी चर्चा करने के बाद, एक ऐसा फोर्स है दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे, जो डेस्पोटिज्म को दुनिया से ख़त्म कर देगा। और हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय आप जानते हैं कि राजाओं का शासन हुआ करता था, जो मनमाना शासन चलाया करते थे, अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक प्रकार से टेरेनिकल शासन हो जाता था। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, ये भी घोषणा की कि ट्रेम्बल मीन्स भविष्य के लिए, कि आगे आने वाले समय में ट्रेम्बल, देयर फोर जो हमने टाइटल यहाँ देखा था टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए दुनिया में जो डेस्पोटिक रूलर्स हैं वो सावधान हो जाए, उनके कांपने का वक्त आ चुका है। ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, जो वर्चुअल राइटर्स हैं उनके सामने तुम कांप उठो। क्यों? क्योंकि उससे जो इफेक्ट क्रिएट होगा उससे जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी और बगावत कर देगी, और वो कोई ना कोई दूसरी शासन व्यवस्था की डिमांड करेंगे। तो आइए इसी में टॉपिक ले लेते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 18वीं शताब्दी में हुआ था। सम हिस्टोरियंस होल्ड व्यू दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंट कल्चर। बहुत से हिस्टोरियन स्कॉलर्स का ये मानना है कि प्रिंट कल्चर ने बहुत बड़ा योगदान दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने में, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम लेंगे। फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स कैन बी गिवन टू कनेक्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन विद द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर। तो पहला, द इनलाइटनमेंट थिंकर्स लाइक वोल्टेयर एंड रूसो, तो इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। तो इन लोगों ने अपनी जो राइटिंग्स थी उसमें सोशल ट्रेडिशंस पे प्रश्न खड़े किए, मतलब उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जैसे आपने देखा था कि फ्रेंच में 3 स्टेट्स हुआ करते थे, आज थोड़ी पाए जाते हैं 3 स्टेट्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उस समय के जो राइटर थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो अंधविश्वास था, मीन्स जो सेक्रेट अथॉरिटी थी, जो धार्मिक संस्था थी, चर्च थी, कि हमें दैवीय अधिकार हैं और जो राजा है वो डिप्यूटी ऑफ गॉड है, इस तरह की जो विचार थे इनको क्रिटिसाइज़ किया। और जो डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द स्टेट थी, कि राजा के पास मनमाने ताकतें होती हैं, इन सबको क्रिटिसाइज़ किया, इनकी आलोचना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द राइटिंग्स इंस्पायर्ड पीपल टू बी क्रिटिकल, जिसकी वजह से लोगों ने भी सोचना शुरू किया, अरे हाँ ये तो सही कहा जा रहा है, अब वो रैशनल हो गए कि हाँ ये बातें तो ठीक हैं, लोग विचार करने लगे, डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गया जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू पब्लिक कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, इसकी वजह से लोगों में जो पब्लिक कल्चर थी वो डायलॉग और डिबेट की शुरू हो गई, मीन्स लोग आपस में वार्तालाप करने लगे, कम्युनिकेट करने लगे इन चीज़ों पर। पहले क्या था कि मान लेते थे कि हाँ भाई यही व्यवस्था है, हमें इसी के तहत चलना है, अब लोगों ने इसमें बहस करना शुरू कर दिया। पीपल बिकेम रैशनल एंड क्वेश्चन, लोग अब तार्किक हो गए, लॉजिकल थिंकिंग उनके मन में डेवलप होने लगी, तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड बिलीव्स पे, और री एवेल्युएटेड द ट्रेडिशनल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। रीएवेल्युएट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कॉपी जमा की और आपको 10 में से 8 मार्क्स मिले, आपने कहा सर प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, काउंटिंग मिस्टेक या कोई नंबरिंग कम हो, तो पता चला कि 10 में से अब ये 9 हो गए, तो ये जो दोबारा इसकी जांच परख की गई दैट इज़ कॉल्ड रीएवेल्युएशन। तो उसी प्रकार से जो उस समय की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ क्या होती हैं मैं बहुत बार कई पार्ट्स में बता चुका हूँ, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जो स्थापित परंपराएं होती हैं, वही वो एक वैल्यूज़ होती हैं, हमें सत्य बोलना चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं। नॉर्म्स जो उस समय के नियम थे, जैसे फ्रेंच सोसाइटी के जो 3 स्टेट्स थे वो नॉर्म्स थे उस वक्त के। इंस्टीट्यूशंस यानी राजा जिस पद पे बैठता है तो मोनार्की एक इंस्टीट्यूशन है, आज भारत में पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले के पार्ट्स में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो उस समय की जो भी व्यवस्था थी, हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो भी व्यवस्था के तहत जो शासन चलता था, लोग रहते थे, समाज चलता था, उन सब को लोगों ने फिर से इवेल्युएट करना शुरू किया कि इसमें कमियां क्या हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। ये सब इम्पैक्ट था बुक्स का जो पब्लिश हो रही थी और लिटरेसी रेट जो बढ़ रही थी। बाय द 1780s मीन्स 18वीं शताब्दी में देयर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर भी खूब छप रहा था, खूब सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन जिस लिटरेचर की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड सर्कुलेट हो रहा था, मीन्स छुप कर छापा जा रहा था। आप जानते हैं कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें कितने अखबार जो हैं वो छुप के छपते थे, कितनी सोसाइटीज़ थीं जो सरकार से छुपकर अपने काम को चलाती थीं। हमने जुसेप्पे मजनी के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की थी, तो सरकार के खिलाफ काम करने वाली जो सोसाइटीज़ होती हैं उन्हें छुपकर काम करना पड़ता। तो कौन सा लिटरेचर था? सच लिटरेचर्स यूज्ड कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। तो उस समय कार्टून्स और कैरिकेचर्स छपने लगे थे, और इसमें जो राजा होते थे, मोनार्की यानी उनका परिवार, उनकी लाइफ, उसका मजाक उड़ाया जाता था कि इनकी नैतिकता क्या है,
और सेंसुअल प्लेजर्स में हमेशा लिप्त रहते हैं, एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये हाईलाइट किया जाता था कि जो प्लाइट्स और हार्डशिप्स हैं कॉमन पीपल की, कि कितनी मुश्किल में अपना जीवन जी रहे हैं, उनके दुख दर्द को भी उसी कार्टून कैरिकेचर में दिखाया जाता था। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता था, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर वाले हिस्से में किस प्रकार से एक लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे हैं नोबल फैमिली के लोग, और नीचे कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं वर्कर्स। तो जब ये चीज़ें देखेंगे तो लोगों के मन में असर पड़ेगा नहीं? आज भी हम अखबार में कोई चीज़ देखते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, फेक न्यूज़ जो कि सही नहीं होती, उसका भी कितना बड़ा असर होता है। उस समय सोचिए जब आप इस तरह की जो मैटर्स लोगों के बीच में पहुँच रहे होंगे तो कितना बड़ा असर होता होगा। तो ये सब देखने के बाद लोग मोनार्की के प्रति काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते थे, उनके खिलाफ हो जाते थे। तो ये सब वजह बन रही थी किस प्रकार से लोगों ने बगावतें शुरू कर दी थी उस समय के राजा महाराजाओं के खिलाफ, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर यह भी पढ़ना ज़रूरी है कि प्रिंट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग द आइडियाज़ ऑफ रीजन इनलाइटनमेंट, बट प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, बट इट वेरी मच मेड पीपल अवेयर ऑफ द नीड टू थिंक डिफरेंटली। लेकिन लोगों को ये ज़रूर प्रेरित किया कि लोग एक अलग ढंग से सोचें। पढ़ने से फ़र्क पड़ा कि उनकी सोच में परिवर्तन आया, और इसकी वजह यह थी कि डिड नॉट डायरेक्टली शेप द माइंड्स ऑफ रीडर्स, कि लोग एक ही प्रकार की किताबें तो पढ़ते नहीं थे। और इसके अलावा जो चर्च था वो भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, मोनार्की थी, तो ये लोग भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने फेवर में, लोगों को करने के लिए। दे वर स्प्रेडिंग देयर ओन प्रोपेगेंडा टू ब्रिंग पीपल इन देयर फेवर। तो लोग इसको भी पढ़ते थे और उसके बाद खुद निर्णय लेते थे कि हाँ उन्हें किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना है। तो ये वजह दी गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर के योगदान को लेकर, कि किस प्रकार से लोगों को एक प्रकार से कहा जाए तो उस समय की जो मोनार्की थी उसके खिलाफ भड़काया प्रिंट कल्चर ने, और फिर उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड की और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें निकल कर आई। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही 9th क्लास में। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।